नमस्ते दोस्तों, राघव किचन में स्वागत है आप लोग का। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का परोठा, जो ठंड के मौसम में ही जनरली बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ठंड के मौसम में ही ये उपलब्ध रहता है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके साथ मैंने कुछ स्पेशल मसाले और बेसन के साथ मैं इसमें मिक्स करके बनाऊँगी, जो कि इसे मिलाने से क्या होता है कि हमारा जो मेथी का परोठा है बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही इसका स्वाद जो है बहुत ही दुगुना बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और इसके साथ मेथी को पतला कटिंग करके सिर्फ मैंने लिप्स को यूज़ किया है। 1/2 कटोरी मैंने मेथी को इसमें ऐड कर रही हूँ, मिला दूँगी। इसके साथ मैंने 1.5 प्याज लिया है, 1.5, और साथ में मैंने लहसुन 3 से 4 का लिया है और 2 हरी मिर्च है, तीनों को मैं कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ आप आदि भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। साथ में कद्दूकस करके उसमें मिला दी हूँ। साथ में अजवाइन में 1/2 स्पून डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने 1/2 स्पून हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच में मिक्स मसाला डाली हूँ और 1/2 स्पून में गरम मसाला डाल रही हूँ। इसके साथ आप 1/2 स्पून लाल मिर्च का भी पाउडर आप डाल सकती हैं, आपके ऊपर है, नहीं तो आप कटिंग किया हुआ तो मिर्चा डाल ही रही हैं। साथ में मैं इसमें 1.5 से ज़्यादा ही मैंने 2 चम्मच बेसन यूज की हूँ, बेसन आप ज़रूर मिलाइएगा। इसके साथ में 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से मैं ऑयल मिला रही हूँ। ये तेल मिलाना ज़रूरी है, इससे आपका क्या होता है कि मेथी का जो परोठा है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए पहले हाथ से, ताकि हमारा जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके साथ हम पानी हल्का हल्का डाल के उसको अच्छे से, जैसे आप नॉर्मली आटा जो गूंथते हैं उसको गूंथ लीजिए। याद रखिएगा कि एक बार हम ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, हल्का हल्का पानी मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंथेंगे और सॉफ्ट डो बना के हम तैयार करेंगे, ताकि हमारा जो मेथी का परोठा है नरम बने। लास्ट में मेरा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, साथ में मैं ऊपर से हल्का सा ऑयल ऐड कर दूँगी और मिला दूँगी, ताकि हमारा जो उसका जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ मैं इसमें हल्दी मिक्स की हूँ, लेकिन आप ऑप्शनल है, आप हल्दी मिक्स कर भी सकती हैं और नहीं भी। इसको हम एक लोइया लेंगे और पतला करके हम बेल देंगे, जिससे हमारा तवा गर्म होगा। इस पर मैं डालती जा रही हूँ, देखिए अच्छे से हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा कलर अच्छा आ जाता है। साथ में आप घी का यूज कर सकती हैं, ऊपर से घी मिला दीजिए ऊपर से, और दोनों साइड हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे तरीके से ज़रूर दोस्तों आप एक बार मेथी का परोठा ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। इससे इसका स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ में ये सॉफ्ट भी हो जाता है। देखिए हमारा कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है, ऐसे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसन का यूज आप ज़रूर कीजिएगा, अजवाइन और मंगरेल का ज़रूर यूज कीजिएगा। साथ में जो मैंने मिक्स मसाला किया है डाल रही हूँ, तो उसका यूज आप ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।